गवर्नमेंट से, उन्होंने मुतफिका तौर पर तब फैसला किया था और अब जो उनका फैसला आएगा इंशाल्लाह हमें भी मंजूर होगा। सर आपने कहा गलत फैसला होगा तो कोई पिछमानी है उस आपने गलत फैसले के ऊपर? आप देखिए सियासत में बंदा सीखता रहता है, ये एक ऐसा अमल है जिसमें फॉरएवर आपकी जो भी है जो यू स्टिल लर्निंग, तो ये एक हिस्सा है सियासत का और आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता रहता है, आगे जाके और बड़े लेसन आएंगे जो मुझे मिलेंगे और इंशाल्लाह हर लेसन को लेके उसको समझ के अगला स्टेप उठाया करेंगे। अच्छा उम्मीद की जा सकती है कि इस जिस तरह आपने सबक सीख लिया इसी तरह कोई अच्छा लेसन लेकर मोनू सलाई साहब और चौधरी परवेज भाई साहब वापस आ जाएंगे? मैं जो बात कर रहा था ना अपना के जो इश्यूज थे, मैं बात कर रहा था जो हमारी पार्टी के अंदर ड्रिफ्ट्स पैदा हुई थी उसकी वजह से, तो अब जो ड्रिफ्ट्स की वजह से इश्यूज बने थे उनके ऊपर जैसे मैंने कहा कि हमने बहुत ऐसे फैसले लिए और बहुत ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हमारी दूरियाँ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो उन चीज़ों पर अब इंशाल्लाह ताला आगे वक्त बताएगा कि उनके क्या फैसले होते हैं। वो जाहिर बात है उन्होंने अपने फैसले खुद करने हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सारा सामने आ जाएगा। सर कहा जा रहा है कि आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया, कोई इसमें सदाकत नहीं है? अच्छा ये पीटीआई छोड़ने में आपको कोई प्रेशर तो नहीं है? प्रेशर क्यों होगा, फिर देखें मेरे वालिद साहब का फैसला था और क्योंकि मैंने जब सियासत की है मैंने अपने वालिद साहब के साथ किया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे सियासत में वो लेके आए, तो मैं अपने वालिद साहब के फैसले पे पाबंद हूँ। चौधरी हुसैन इलाही मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लंदन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को खैरबाद कर रहे हैं और वापस मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार करने का उनकी जानिब से ऐलान किया गया। चौधरी हुसैन इलाही की जानिब से उन्होंने कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ नाकाबिले बर्दाश्त है।